बिहार में एनडीए ने महागठबंधन को पछाड़ा, रुझानों में बहुमत के पार निकले मोदी रितीश, 105 के आसपास पहुंचे महागठबंधन, गए दिग्गजों की साख दांव पर। करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर राजनीति गलियारों में हलचल, कांग्रेस ने किया श्रोमणी अकाली दल पर पलटवार। अमृतसर में भगवान राम का पुतला दहन पर करने पर हंगामा, पटियाला में हिंदू संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन, देश भर से साधु हुए शामिल, कार्रवाई करने की मांग की। राजपुरा में विकास कार्यों की शुरुआत, खराब सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त, स्थानीय लोगों को हो रही थी परेशानी, सरकार ने करोड़ों रुपए की दी सौगात। पंजाब में फिर बड़ा कोरोना, 24 घंटे में 554 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1,38,000 के पार, 1,28,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल प्रदेश में बड़ा कोरोना, 24 घंटे में 711 मामले, संक्रमितों की संख्या 26,000 के पार, 20,000 से ज्यादा रिकवर। ऊना में एसडीएम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, बाजार में बिना मास्क वालों के काटे चालान, पुलिस प्रशासन ने चलाया कोरोना नियम को नजरअंदाज करने वाले के खिलाफ अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार में इस बार एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा हम पार्टी और बीआईपी शामिल रही। महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी, इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां शामिल रही। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इस बार तेजस्वी की सभा में जो नजारा दिखा है वो कभी नहीं दिखा, ये हार सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की भी हार है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर बसपा आगे है। नतीजे साफ करेंगे कि चुनावी सेमीफाइनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रहता है या फिर विपक्ष ने सेंधमारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उनमें फिरोजाबाद की धुंधला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की खातमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट शामिल। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवारों में मुकाबला, नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के में के अपने अपने दावे। 28 सीटों पर गिनती जारी, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, इसमें से 8 सीटों पर बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा आगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब होंगे या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल होंगे, इसका फैसला आज होगा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच माना जा रहा है। मतगणना के चौथे राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, इंदुराज नरवाल को 11,000 से ज्यादा वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर योगेश्वर। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकृष्ण हुड्डा यहां से 3 बार विधानसभा पहुंचे थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली, बड़ौदा से बीजेपी एक बार भी नहीं जीती। सोमवार को फगवाड़ा में श्रोमणी अकाली दल ने एक विशाल रैली की जिसमें अकाली दल ने एससी एसटी घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल पर निशाना साधा। इसी कड़ी में इंडियन न्यूज पंजाब की टीम के साथ खास बातचीत के दौरान विधायक बलविंदर सिंह ने पलटवार किया। राजपुरा में विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने राजपुरा निवासियों को दिवाली की सौगात दी, विधायक की पहल पर करोड़ों रुपए की लागत से शहर और सड़कों का विकास कार्य शुरू किया गया ताकि लोगों को अब समस्याओं से निजात मिले।
पिछले लंबे समय से राजपुरा के आईसिल फाटक मधुबन कॉलोनी से प्रताप कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क की हालत खराब थी। निवासियों को बरसात के मौसम में जलभराव और गड्ढों से बड़ी परेशानियां होती थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विधायक के इस फैसले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दशहरे के समय अमृतसर के मानावाला गांव में भगवान राम के पुतले को दहन पर हिंदू संगठन ने अभी भी भारी रोष देखने को मिल रहा। इसी कड़ी में पटियाला के बस स्टैंड पर तमाम हिंदू संगठन और धार्मिक संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में विशेष तौर पर श्री काली माता मंदिर केसर फर्स्ट पच्चानंद गिरीश जी महाराज पहुंचे, जो तो वहीं दुनिया भर से साधुओं भी धरने में शिरकत की, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। बठिंडा में नेशनल डिपो होल्डर फेडरेशन की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना, प्रदेश सरकार ने जो वोटे दिए थे, वादे किए थे, अभी तक पूरे नहीं हुए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले प्रदेश कांग्रेस ने वादा किया था कि 6 महीने बाद मिलने वाली कनक हर महीने मिला करेगी। तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत लुधियाना पहुंचे, जहां वो महिला कांग्रेस की तरफ से किए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और मोदी सरकार के दौरान महिलाओं के साथ अपराध के बड़े मामलों की निंदा की। वहीं पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश में एक बार फिर से कैप्टन की सरकार बनने का वादा किया। तरनतारण में पूर्व सांसद मेजर सिंह उबो के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया उनके घर पहुंचे, जहां पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मेजर सिंह उबोके की मृत्यु पार्टी और परिवार के लिए काफी दुखद, पार्टी उनकी सेवा को सदैव याद रखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कश्मीर के नेताओं ने वहां के युवाओं को हाथ में पत्थर और हथियार ही दिए थे। तरुण चुग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को किताबें और कंप्यूटर दिए जाएं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। सोमवार को पटियाला के भाषा भवन में पंजाबी सप्ताह और कवि दरबार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी सप्ताह समागम करवाया जा रहा है। हम सबको मिलकर पंजाबी को आगे बढ़ाने का काम करना है। वहीं किसानों के मामले पर धर्मसोत ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, हमारी पूरी पंजाब सरकार किसानों के साथ है। सोमवार को किसानों की तरफ से केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ तरनतारण के गांव उस्मा स्थित टोल प्लाजा पर धरना 36वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि वो इस बार टोल पर बैठकर और अपने घरों की छत पर बैठकर कृषि कानून के विरोध में काली दिवाली मनाएंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता उनका धरना जारी रहेगा। राजपुरा के उक्सी सैनिया गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब रिलायंस कंपनी का टावर गांव में लगाया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना कि जो कंपनी किसानों के खात्मे की बात करेगी, किसान पंजाब उस कंपनी का मुकम्मल तरीके से बायकॉट करेंगे। पिछले लंबे वक्त से पंजाब में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे, जिसे किसानों ने रेलवे ट्रैक से हटा दिया। धूरी में डीएसपी परमजीत सिंह ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और पूरी तरह से रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बताया। बठिंडा में जल सफाई सैनिटाइजर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन सैलरी टाइम पर नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने विरोध किया। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर बठिंडा में कांग्रेस सेवा दल की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। लुधियाना के समाला चौक पर महिला कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ महिला विरोध होने का आरोप लगाया।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस की तरफ से पंजाब प्रधान ममता दत्ता के नेतृत्व में लुधियाना के समराला चौक पर प्रदर्शन किया गया। पटियाला पुलिस को नेशनल राइस मिल से चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने जिले की बोरियां भी बरामद की। आपको बता दें कि 29 और 30 अक्टूबर को नेशनल राइस मिल में चोरी की वारदात हुई, जिसके बाद मिल के मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की ताकि पूरे गिरोह की जानकारी मिल सके। फाजिलका में एंटी नार्कोटिक्स हेल्थ और पुलिस ने अवैध पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से करीब 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पनीर के सैंपल लैब के लिए भेज दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई शुरू होगी। त्योहारों के सीजन जोरों पर है और इसी दौर में मिठाइयों की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। वहीं मानसा जिले में आ रही मिठाइयों को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 17 किलो डोडा मिठाई को बरामद किया। मिठाई के सैंपल को भी एकत्र किया, जिसे जांच के लिए खरड़ लैब भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर डॉक्टर गुरप्रीत ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने तक की कार्रवाई की जाएगी। मानसा के गांव मूसा में पुत्रवधु के अपने ही ससुर के साथ नाजायज संबंध के चलते अपने पुत्र को तेज हथियार से कत्ल कर दिया गया। दोनों ने मृतक की खोज मिटाने के लिए चुपचाप लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। संगरूर की जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया। मौत के बाद कैदी के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे संगरूर के डीएसपी सतपाल शर्मा ने बताया कि जज साहब की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। डीएसपी संगरूर ने कहा कि डॉक्टरों का पैनल बना दिया गया है, जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। बनाला के काले के गांव में जमीनी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत जबकि 2 व्यक्ति घायल। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 15 साल पहले उन्होंने आरोपियों से जमीन खरीदी थी, जिसके बाद अब आरोपियों की तरफ से जमीन पर कब्जा कर लिया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होशियारपुर के तानोली गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 1 की मौत और 5 लोग जख्मी। हादसे का शिकार हुए लोग लुधियाना के रहने वाले हैं, जो माता चिंतपूर्णी से माथा टेक कर वापस घर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करा दिया था। लुधियाना के राजगढ़ गांव के पास दुराम में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया, पुलिस प्रशासन इससे बेखबर। खंडा में पुलिस ने नाके के दौरान लोगों को काबू किया, जिनके पास 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों में एक अमृतसर का और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला। वहीं इनके आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए इनके संबंधित क्षेत्रों में संपर्क किया जा रहा है। पटियाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 मोबाइल फोन बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना, ऐसे में ऊना में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है। एसडीएम ऊना सुरेश ने सोमवार देर शाम ऊना शहर में विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया। वहीं बिना मास्क के दुकानों पर सामान बेच रहे दुकानदार और ग्राहकों के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, बाजार में भी बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों के सिलसिलेवार तरीके से चालान काटे। एसडीएम सुरेश जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भी प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि ऊना में पिछले कई दिनों से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा था, जहां जहां नुक्कड़ नाटक भी किए गए। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने शिमला में खूब हल्ला बोला। महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली निकाली और गले में प्याज और आलू की मालाएं डालकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मोदी सरकार के जनविरोधी निर्णयों को जनता से धोखा करा दिया। इस मौके पर हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैना बजंदेल ने कहा कि इतिहास में पहली बार मोदी सरकार की गलत नीतियों से आलू 50 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल साबित।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना उनका लक्ष्य। अपने दौरे के दौरान राजीव सैजल ने किन्नौर से आते हुए चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर राजीव ने परिसर के पास बन रहे ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में पिछले दो महीनों से बारिश न होने से अब सूखे का संकट किसानों को सताने लगा। बिलासपुर जिले में रबी की फसल की पैदावार लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है, लेकिन इसमें से 18% क्षेत्र में ही खेती की सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। बिलासपुर जिले में पिछले दो माह से लगातार बारिश नहीं होने से किसानों की खेती पर खतरे के बादल मंडराने लगे, जिससे न केवल रबी की फसल की बिजाई में देरी हुई बल्कि इससे किसानों की चिंताएं बढ़ी। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप पटियाल ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि थोड़ा बारिश का इंतजार करें, उसके बाद ही बिजाई कार्य शुरू करें। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,12,00,000 के पार, 12,00,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। पूरे दुनिया में अब 1,00,00,000 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका ने कोरोना ने जमकर मचाया तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1,00,00,000 के पार, अब तक 65,00,000 से ज्यादा ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान, कुल मरीजों की संख्या 56,00,000 के पार। रूस के में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 17,00,000 के पार, अब भी 4,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस, 450 की मौत, 85,00,000 से ज्यादा टोटल केस, 5,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार, अब भी 99,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने 2,000 से ज्यादा केस, अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 11,000 से ज्यादा की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा 8,00,000 के पार, 21,000 से ज्यादा एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,000 से ज्यादा केस, 4,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 398 संक्रमित केस, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 10 की मौत, 205 ठीक, कुल संक्रमितों की संख्या 65,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,00,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस, 71 लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले, 7 की मौत, प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,00,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा रिकवर, अब तक प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक। पंजाब में एक बार फिर कोरोना का कहर कमजोर होता नजर आ रहा है, 24 घंटे में 554 नए मामले सामने आए। पंजाब में 1,28,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी, साथ ही कोरोना के प्रदेश में 4,934 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटे में 711 मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है, 378 मरीजों ने जान गंवाई है।